यार पहले नोटबंदी ने हमें तोड़ा, और जी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कुछ इसमें पब्लिक परेशान, हम भी परेशान है, नोटबंदी से ही परेशान है। अभी कोरोना चल गया है, अब लॉकडाउन लगा हुआ है, पब्लिक परेशान, हम भी परेशान है। मजदूर आदमी, हम किराए पे रहते हैं, मजदूर हैं हम। ये देखिए, कोरोना काल में शादी ब्याह के ऊपर तो असर पड़ा ही, साथ में जो लोग ढोल बजाते थे उनके ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। एक एक दिन में चार चार पांच पांच बुकिंग मिलने वाले लोग इस समय एक एक बुकिंग के लिए तरस रहे हैं, और बुकिंग मिल भी रही है तो वो पैसा इन लोगों को नहीं मिल रहा है जो इन लोगों को मिलना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू, ये बताओ कि इस समय कितनी बुकिंग के, तो क्या काम करते हो तुम? हम ढोल बजाते हैं सर। अच्छा, क्या है इसका बताओ थोड़ा। सर ऐसे है, जो पहले लॉकडाउन से पहले था वो बुकिंग नाइट में भी थी और दिन में भी बुकिंग, और पेमेंट अच्छी होती थी है। और जो अब है, अब बुकिंग कम है, जो नाइट के प्रोग्राम थे कैंसिल हो गए, अब दिन में प्रोग्राम हो रहे हैं है। अब तीन तीन चार चार प्रोग्राम कर लेते पहले हम, अब सिर्फ एक ही दो कर पाते हैं। अच्छा, उसमें फिर पेमेंट बहुत कम मिलता है। अच्छा जी, पहले एक बुकिंग का कितना मिल जाता था? पहले 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते थे, अब 2-2.5 हज़ार पैसे मिलते बस। तो अब दिन में कितनी बुकिंग मिल रही है आपको? अब दिन में बहुत कम मिल रहा है काम, बहुत सी कैंसिल हो गई है बराते। अब तो एक ही काम है आज का, तो एक ही काम है कल का। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मोनू। सोनू, सोनू ये बताओ, तुम ढोल बजाते हो क्या अब? जैसे पहले जो है, जैसे शादी ब्याह में बारात में ढोल बजाया करते थे तो उसमें वारफेयर और नछावर ज्यादा आती थी। जी जी। क्या वो उस तरीके से आ रही है? वो भी कम हो? नहीं, वो अब नहीं आ रही है, जो पहले वाली बात थी है वो अब नहीं आ रही सर। अब बहुत कमी के हिसाब से पैसे आ रहे हैं। शादी के अंदर, पार्टी के अंदर बहुत पब्लिक तो रहती नहीं है, बस 10 या 20 लोग आते हैं। जी सर। तो देखिए आप किस तरीके से सोनू ने, और मेरा नाम सोनू है, ये सोनू और मोनू ने बताया कि कैसे इन लोगों को भी जो है कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और दिन में सिर्फ एक या दो बुकिंग इन लोगों को मिल रही है, और वो भी उतने हिसाब से उतने ठीक पैसे नहीं मिल रहे। खर्चा कैसे चल रहा है, कुछ सहायता वगैरह? भगवान के हाथ में जी, अपने दाल रोटी का खर्चा कर लेते हैं, बच्चों के लिए अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं जी। काम में बात हो गई।